नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल सुखराम मशीनरी कंपनी या नानग्राम मशीनरी कंपनी में स्वागत है। दोस्तों, मैं आपका होस्ट गुरकीरत सिंह। मैं दोस्तों हम अपने चैनल पर जो सुखराम मशीनरी नानग्राम मशीनरी कंपनी चैनल है उस पर आपके लिए काफ़ी तरह के बिज़नेस लेकर आते रहते हैं। आप जो हमारे साथ जुड़े हैं उनको तो पता ही है, हम काफ़ी तरह के बिज़नेस लेकर आते हैं। जिनको नहीं पता वो हमारा जाके चैनल है जो नीचे लिखा हुआ है, लिंक भी दिया हुआ है, उसमें जाकर आप हमारे अलग अलग बिज़नेस भी देख सकते हो। काफ़ी तरह के बिज़नेस आपके लिए लेकर आते हैं, लेकिन आज जो हम आपके लिए एक बिज़नेस ऐसा बिज़नेस लेकर आए हैं जिसको करोगे तो आपको मतलब बहुत अच्छा प्रॉफिट है। इसमें कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होगी आपको, प्लस हर जगह पर लगा सकते हो, किसी भी मंजिल पर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड, घर की बिजली, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, कहीं पर भी लगा सकते हो। बाकी है कि आप इसकी कोई वाइब्रेशन नहीं है, घर की बिजली से भी चल जाएगा, अगर थ्री फेज है तो थ्री फेज से भी, अगर सिंगल है तो सिंगल से भी चल जाएगा। यह कि आप, और इसको प्लस पॉइंट ये भी है, अनस्किल्ड आदमी भी चला सकता है, प्लस लेडीज़ भी चला सकती हैं इसको। मतलब एक ऐसा बिज़नेस लेकर आया हूँ मैं, एक इसको जिसको कह सकते हैं कि बहुत बढ़िया बिज़नेस है। इसको लगाओगे तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, लॉस है नहीं इसमें, प्लस 12 महीने काम चलने वाला ये बिज़नेस है। मैं आज बताने जा रहा हूँ जो बिज़नेस का है वो है नोटबुक मेकिंग बिज़नेस। इसमें जिसको हम खाता भी कह देते हैं, किताब, नोटबुक, कॉपी, कापी कह देते हैं, उसका मशीन है ये। दोस्तों, इसके बारे में जो है पूरा रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, कितना प्रॉफिट है, आगे कहाँ पर सेल करना है, पूरा आपको बताऊंगा कैसे क्या होता है। आप ये मशीन से, प्लस हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, हम आपको दिखा भी देते हैं। हमारी यहाँ पर सारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग होती है, सारा कुछ यहाँ पर, फ्रेमवर्क, मैन्युफैक्चरिंग, हर एक चीज़ जो होती है यहाँ पर ही होती है। कोई हमारा बाहर से नहीं हम पार्ट्स लगाते, सारा हमारा खुद का बनता है, ठीक है। और बात आती है अब मशीन की, ये जो मैं आपके लिए मॉडल लेकर आया हूँ, बात आती है अब इस मशीन पर, ये मॉडल है, जो मॉडल जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इसमें आपका ये है कि ये फुली ऑटोमेटिक मॉडल है। इसमें आपका कि तीन मशीन का काम एक ही मशीन में हो जाता है, पहला पिनिंग, दूसरा फोल्डिंग का और तीसरा एस्केरिंग का, तीनों का काम एक ही मशीन में हो जाता है। मतलब तीन लेबर के आदमी जो है वो एक ही आदमी कर देगा, आपकी लेबर भी कम लगेगी इसमें, प्लस यह ऑटोमेटिक भी हो गई है। इसमें टच स्क्रीन लगी है, देख सकते हो, चेक कर सकते हो आप इसमें कि आप स्टार्ट यहाँ से ही कर सकते हो, यहाँ से ही ऑफ, स्पीड कम ज़्यादा, कितनी पिन लगानी है, कितनी चार पिन लगानी है, छः लगानी है, पूरा आप यहाँ से ही सिलेक्ट कर सकते हो, आपको कोई और दिक्कत नहीं आएगा। इसमें जो भी है सारा कुछ टच स्क्रीन से ही आपका पता चल जाएगा। दोस्तों, अब बात आती है जो मैंने आपको बताया कितनी पिन लगानी है, पूरा प्रोग्राम हमने फीड किए हुए हैं, आप खुद भी कर सकते हो। मैं दिखा देता हूँ, ये देखो अभी अब ये लगा हुआ है 6 पिन का, ये आपको वीडियो पर दिख रहा है 6 पिन का जो प्रोग्राम हमने फीड किया हुआ है, साइज फिट किए हुए हैं, कहाँ कितने कितने साइज़ पर पिन लगेगी वो लगा हुआ है। अब जैसे हमने 4 पिन लगानी है, हमने ये 4 पिन का सिलेक्ट किया और यूज़ प्रोग्राम कर दिया, यहाँ पर 4 पिन का हमने जो आपको स्टैंडर्डाइज डाटा है यहाँ पर हमने भरकर दिया हुआ। अगर आपको लगता है आपने अपनी खुद की चेंज करना है तो आप चेंज भी कर सकते हो, 2 पिन भी लगा सकते हो, 3 भी 4 5 6 10 पूरा 14 पिन तक का हमारे पास है, 14 पिन आप लगा सकते हो, ठीक है। अब मैं ज़्यादा भी लगा सकती हूँ, यहाँ पर जो प्रोग्राम है प्रोग्राम यहाँ पर सेव भी कर लो, चाहे बाद में कभी भी आपको यूज़ पड़े यूज़ करना पड़े आप यहाँ पर प्रोग्राम कर सकते हो यूज़, ठीक है। बाकी बात आती है कि यहाँ पर मशीन को कैसे चलाना है, यहाँ पर सिंपल है कि आपको जब आपने प्रोग्राम भर लिया, सिंपल आपको अगर स्पीड कम ज़्यादा करनी है आप यहाँ से जाकर स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हो। जैसे मैंने अभी भरी हुई है 40 नॉर्मल, जो नॉर्मल है इससे तेज भी जो चला सकते हो जितना भी करना है, प्लस ये है कि बाद में इसमें स्पीड अगर ठीक है ओके, आपको यहाँ पर साइकिल स्टार्ट दबाना है, बस मशीन आपकी चल जाएगी। बाकी मैं आपको दिखाने लगा हूँ जो चलती मशीन पर ही आप कैसे स्पीड भी कम ज़्यादा कर सकते हो, ये देख सकते हो, ये आपकी स्पीड अभी 40 पर चल रही है। अब मैं आपको स्पीड करता हूँ 90, ये 90 एंटर कर दिए, देख सकते हो वीडियो में आपको पता चला है स्पीड तेज भी हो गई है। मैं इससे भी ज़्यादा कर आपको 120 भी कर दिखा देता हूँ, 120 भी हो गई है, या कि आपके आर्मी के हाथ पर डिपेंड होता है। चाहे ये देखो मैंने 50 कर दिया, अब ये 50 पर अब स्लो हो गई, वे आर्मी के हाथ पर डिपेंड होता है कितनी स्पीड करनी है, ठीक है। बाकी अब बात आती है रॉ मटेरियल, इसके लिए क्या क्या चाहिए। इसमें सबसे पहले तो जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है, उसमें जो रॉ मटेरियल लगेगा आपका, ये लगेगा एक तो टाइटल लगेगा, ये देख सकते हो आप, इस पर जो भी अपने नाम प्रिंट करवाना है सब कुछ, सभी प्रिंट होकर मिल जाता है।
वो हमारे से रॉ मटेरियल मिल जाएगा, आपके शहर में भी हम प्रोवाइड करवा देंगे आपको जहाँ से मिलता होगा। ये देख सकते हो इसके अंदर ही इंडेक्स भी प्रिंटिंग है, और दूसरा आता है इसमें ये पेपर, पेपर देख सकते हो ये A1 ग्रेड का है पूरा, 68 GSM का, 95% वाइडनेस का, कम ग्रेड का भी मिल जाता है, हर क्वालिटी का पेपर मिल जाता है, आप जो कहोगे हम उसी हिसाब से आपको प्रोवाइड भी करवा देंगे। और तीसरा एक जो रॉ मटेरियल इसमें लगता है वायर, जिससे पिन लगती है, ये देख सकते हो पूरा रोल का रोल ही आता है पूरा बढ़िया, आप देख सकते हो इसको लगाओ और वायर आपका पिन लगता जाता है। ये तीन चीज़ चाहिए होती हैं और नोटबुक आपकी बनकर तैयार हो जाती है। ये है कि आप हर जगह पर मिल जाता है पूरा आसानी से। बाकी जब ये नोटबुक कॉपी बनकर तैयार हो जाती है, इसमें ऐसी वीडियो में भी दिखाऊंगा, ऐसी ये डबल कॉपी बनकर तैयार हो जाती है, बाद में आपको कटिंग का भी दिखाऊंगा, कटिंग होएगी, कटिंग होकर आपकी आगे सेल होती है। जो सेल करने की बात आती है, जब आप किसी भी स्कूल कॉलेज कहीं भी शॉप पर भी सेल कर सकते हो, प्लस होलसेलर्स को भी बेच सकते हो। होलसेलर को बेचोगे जो 10 रुपये की कॉपी होती है, सॉरी जो मार्केट में 30 रुपये की कॉपी बिकती है, वो आपको सारा खर्चा डालकर 10-11 रुपये की कॉस्ट करती है घर पर। जो आगे आप सेल करोगे होलसेलर को, वो आपको आसानी से आप 17-18 रुपये की होलसेलर को बेच सकते हो। अगर रिटेल में बेचोगे वही 19-20 की बिक जाती है, अगर स्कूल कॉलेज में बेचोगे तो वही आपकी 22-23 रुपये की बिक जाती है। मतलब हर कॉपी में आसानी से आपका 7-8 रुपये का प्रॉफिट होता ही होता है। जितनी बड़ी नोटबुक होती जा रही, जैसे 50 रुपये का रजिस्टर होगा, उसमें 15 रुपये आपके होलसेलर को अगर सेल करोगे 15 रुपये प्रॉफिट आ जाता है। जितना बढ़ता जाएगा उतना ही प्राइस कॉपी का बढ़ता जाएगा, उतना ही प्रॉफिट भी बढ़ता जाता है। यह कि और इसमें है कि आपका कोई पोल्यूशन नहीं है, कुछ नहीं है, जहाँ मर्जी लगाओ आपको आसानी से चलेगी मशीन। बाकी अब बात आती है कि इसमें बनता कैसे है, मैं वीडियो में भी आपको पूरा दिखाऊंगा कैसे बनता है, लेकिन आप अभी भी देख सकते हो ये आपको एक ऐसे कॉपी कागज़ और टाइटल आपका जो है आपने ऐसे रखना है इस पर, सिर्फ देख सकते हो वीडियो में दिखा सकते हैं आपको। ये देखिए हमने ऐसा बस कागज़ और टाइटल को रखना है, अपने आप यहाँ पर पिन लगेगी, अपने आप वो आगे लेकर जाएगा, यहाँ से पिन लगेगी, यहाँ से फोल्डिंग होकर एस्केरिंग होकर कॉपी ऐसी अपने आप बाहर निकल जाएगी। ये देखिए ये ऐसे है, हमने ऐसे रखी है कॉपी, सीधा के सीधा ऐसे फोल्ड होकर एस्केरिंग होकर अपने आप बाहर निकल जाएगा, कुछ नहीं करना, बस आपको यहाँ पर कागज़ और टाइटल रखना है बस ऐसे, और कोई काम नहीं है। बाकी ये आपने देख लिया कि यहाँ पर आपकी कॉपी ऐसे फोल्ड होकर एस्केरिंग होकर और पिनिंग होकर ऐसी डबल कॉपी तैयार हो जाती है। इसको अब हम कटिंग मशीन में लेकर जाते हैं। ये आपको अभी मैं दिखा रहा हूँ, ये पैक्ड है हमारी जाने के लिए, डिस्पैच होने के लिए, ये आज या कल में डिस्पैच हो रही है, कहीं जा रही है जो कस्टमर ने ऑर्डर दिया था। ये भी मशीन है वहाँ पर ही जा रही है, मैं जो आपको दिखा रहा हूँ ये हमारी फैक्ट्री में खुद बनती हैं सारी मशीन्स, आपको दिखाया भी या वीडियो में देखा भी होगा। मैं आपको वीडियो में ये भी दिखाऊंगा इंस्टॉल होकर कैसी मशीन होती है, प्लस वर्किंग भी दिखाऊंगा आगे वीडियो में आपको, वर्किंग भी इसकी मशीन की सारी दिखेगी। देख सकते हो यहाँ पर स्किन सेंसर लगे हुए हैं, पूरा सेफ्टी है इसमें, आपको बस यहाँ पर अपनी कॉपी रखनी है, स्विचेस दबाने, अपने आप कटिंग करेगा। ये आपको पूरा आपको दिखाएंगे, ये हमारा मॉडल नंबर 6 जैसे बढ़ता है 7 बढ़ता है। ये आपको एक कटिंग भी दिखा दिया, हमारे पास एक स्पायरल मशीन भी है जिसको आप लगाकर जो स्पायरल होती है, स्पायरल जो स्प्रिंग होते हैं उसको वो भी डाल सकते हो। ये देख सकते हो हैवी ड्यूटी मशीन है, फिर आपको यहाँ से स्विच दबाना है अपने आप चलेगी, ये भी ऑटोमेटिक मशीन है, ये भी हमारे से प्रोवाइड हो जाएगी आपको। बाकी ये है कि आपको ये भी ऑटोमेटिक मशीन है, ये भी हमारे से ऑर्डर हो जाएगी आपको, आपकी और भी जो रिक्वायरमेंट होगी हमारे से मिल जाएगी आपको। बाकी आपको इस मशीन की भी कोई भी जानकारी चाहिए हो, कोई भी उसकी डिटेल्स प्राइसिंग वगैरह, आपने नीचे वीडियो में अपने नंबर्स दिए हुए हैं, साथ में डिस्क्रिप्शन में भी हमारे नंबर दिए हुए हैं, आप वहाँ पर जाकर हमें उसकी इंक्वायरी कर सकते हो या ऑर्डर करना, ऑर्डर भी कर सकते हो। बाकी हमने अपना एड्रेस भी दिया हुआ है, आप हमारी फैक्ट्री विजिट करिए, आप मशीनरी देखिए समझिए, अगर नहीं भी आ सकते हमने जो नीचे दिए गए नंबर है उन पर व्हाट्सएप कॉल करिए, हम आपको लाइव अपनी मशीन दिखाएंगे कैसी बननी है। जो भी आपको होएगा, आपको मशीन्स चाहिए, जो आपकी रिक्वायरमेंट है हर एक आपको प्रोवाइड करवाएंगे, आपकी भी जो रिक्वायरमेंट है हमें भेजिए, हम उसको देखेंगे, जो भी है होएगा आपको बताएंगे। बाकी ये देख सकते हो हम हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर यूनिट है, जो यहाँ पर पीछे पेंटिंग यूनिट है, सब कुछ यहाँ पर ही होता है, आपको ये नहीं है दिक्कत नहीं आएगा कोई भी। बाकी आप हमारी फैक्ट्री विजिट करोगे हर एक चीज़ आपको पता चलेगा, ये रॉ मटेरियल एरिया है जो हमारा रॉ मटेरियल आता है पूरा, आपको मतलब बढ़िया मशीन्स मिलेंगी। यहाँ पर जो देख सकते हो ये हमारा जो है फैब्रिकेशन एरिया है, यहाँ पर फैब्रिकेटिंग होती है, यहाँ पर जो एस्केरिंग है जो वो बननी है चेक कर सकते हो।
बाकी ये देख सकते हो जो आपको मैंने 3-in-1 मशीन दिखा रहा हूँ उसका नाम है 3-in-1 बताया था आपको। ये देख सकते हो आपको ये आपकी पैक्ड हो गई है, ये भी जानी है कहीं उसके सेटअप है, ये ऐसे पैक होकर जाती है अगर सीधा गाड़ी जाओ। बाकी वुडन बॉक्स में भी पैकिंग हो जाती है अगर ज़्यादा दूर जानी हो। हमारी ऑल ओवर इंडिया सेल होती है, बाहर कंट्रीज़ में भी हम एक्सपोर्ट करते हैं। कोई भी आपको कहीं भी दुनिया में कहीं भी आपकी मशीन चाहिए हो हमें कॉल करिए, हम आपका पूरी हेल्प करेंगे, आपको वहाँ पर मशीन भेजेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। बाकी देख सकते हो ये हमारे पास और भी काफ़ी तरह की मशीनरी है जो आपको चाहिए, नेल्स, स्क्रू, नैपकिन की और कोई भी चाहिए हो, नट बोल्ट कोई भी चाहिए होगी हमारे पास मशीन्स हैं। बाकी अब आपको मैं मशीन ये वाली जो 3-in-1 मशीन है ये आपको चलाकर भी दिखाता हूँ, आपको दिखाता हूँ वर्किंग की कैसे क्या है, कैसे मशीन चलेगा पूरा, आपको उसकी वीडियो में अंत तक ज़रूर देखना। बाकी आपको और भी काफ़ी तरह की चीज़ें मैं बताता रहूँगा, फिलहाल मैं आपको ये मशीन चलाकर दिखाता हूँ। आपने देख ही लिया होगा, आपको मैंने आपको ये दिखाया कितनी आसानी से मशीन चलती है पूरा, वो कोई काम नहीं है। कटिंग मशीन का भी वीडियो दिखा दिया, पैकिंग मशीन का भी दिखा दिया आपको,
कोई मतलब आसानी से काम हो जाता है। बाकी आपको एक स्पायरल बैंडिंग का भी जो बताया था उसका भी आपको वीडियो दिखा दिया है, आपने देख लिया होगा। कोई टफ काम नहीं है जिसको कहते हैं कि मुश्किल काम है। अगर काम लगाओगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा, तो आप और भी बिजनेस करोगे, एक स्टार्टअप करोगे तो फिर ही आप आगे बढ़ोगे ना। क्या आपने देख लिया होगा कि मशीन काफ़ी बढ़िया चलती है, कोई इसकी साउंड नहीं है। आपको अगर आपने हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, हमारे नीचे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में शेयर वीडियो को शेयर लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। बाकी आपको और भी बिजनेस के बारे में आपने पता करना है, हमारे चैनल पर जाकर सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन दबाएं, ताकि जो हम नई नई वीडियोस डालते हैं आपको सबसे पहले पता चल सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी वीडियो अंत तक देखी और हमारे साथ बने रहिए। हम आपके लिए हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, इससे हमारे चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड किए जाएंगे उसकी सूचना आपको। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आपकी वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नए नए बिजनेस आइडियाज पहुंचे सबसे पहले आपके।